अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय ज़ैनब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा भाई, चलन जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें मैंने ईस्ट ऐड किया है, 1.5 खाने का चम्मच ईस्ट ऐड की है, और हाफ जो है चाय का चम्मच इसमें मैंने चीनी ऐड किया। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद आपने नमक ऐड करना है, तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें आपने नमक ऐड करना है। उसी टाइम आप नमक ऐड नहीं करेंगे, इस तरह से ईस्ट और नमक अगर आप इकट्ठा ऐड करेंगे तो डो जो है वो आपकी अच्छी नहीं होगी। इसके बाद आप इसमें फिर 1/2 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 अंडा ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये सारी चीज़ें आपकी, और दूध भी आपने नीम गर्म दूध के साथ इस डो को आपने गूंदना है। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो आप पानी से भी गूंद सकते हैं, और इसको आप 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो डो को राइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने इसको ओवन के अंदर रख देना है। और उतनी देर मैंने चिकन को जो है ना मैरिनेट कर लिया है। इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं उसमें कुटी लाल मिर्च है 1/2 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है, और नमक इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया क्योंकि आप तिक्का मसाला भी ऐड करें तो उसमें भी नमक है। 1/2 चाय का चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है, और तकरीबन 1/2 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दी। के बाद इसके अंदर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और ये इस तरह से देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और डो भी हमारी जो है वो डबल हो चुकी है। और अब हम इसको दोबारा से काउंटर पे ला के अच्छी तरह से इसको 5 मिनट तकरीबन आपने गूंदना है। अब आप इसको कट लगाएंगे। अच्छा, आपने एक हिस्सा इसका ज़्यादा रखना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप रखेंगे, क्योंकि जो नीचे वाली इसकी बेस है ना वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जो ऊपर इसकी हम लेयर लगाएंगे वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। मैं इसको पिज़्ज़ा मेकर में बना रही हूँ, तो इस तरह से पहले मैंने ऑयल लगाया पिज़्ज़ा मेकर में, और फिर हाथ से इसको इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है। गोल रोटी की शेप आपने इसको प्रॉपर दे देनी है। इसके बाद आपने फोक की मदद से जगह जगह स्पेस देख के आपने निशान लगाने हैं, और फिर इसके ऊपर आप ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें टोमेटो केचप और चिली जो गार्लिक सॉस है ना वो भी दोनों मिक्स करके आप ऐड करके लगा सकते हैं। और फिर इसके ऊपर आप तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मायो ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, मैंने इसलिए ऐड किया, थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा। और फिर आप इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, सॉस लगाने के बाद आप इस स्टेज पे इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ मैं इसके ऊपर लास्ट में एक दफ़ा ही ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा चीज़ भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ऐड किया चिकन और शिमला मिर्च और प्याज़, और साथ ही साथ इसमें ऑलिव्स ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो चीज़ लवर हैं वो फिर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। अच्छा, आगे आप ये वीडियो देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा मैंने, सारा जो पिज़्ज़ा पाई मैंने तैयार की है ना, बहुत ही ये टेस्टी बनी है, लेकिन जो मेरे साथ आगे हुआ है ना वो आप वीडियो में देखें, बहुत मुझे दुख हो रहा था वो देख के। अच्छा, जो ये बाकी डो थी इसको हम बेल लेंगे, और इसको आपने थोड़ा लंबाई की तरफ बेलना है, और फिर आपने इसी तरह से इसको कट लगाना है ताकि जो इसकी खूबसूरती है ना पिज़्ज़ा पाई की वो बहुत अच्छी आए। और इस तरह से आप इसको कट लगाएंगे, और इसके ऊपर फिर आप सेंटर में इसको रखेंगे, और साइड से फिर आप इसको कवर करें। जब ये सारा साइड से कवर हो जाए तो फिर हम लास्ट में इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अंडे से जो है ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा मेकर में पिज़्ज़ा पाई बना रही हूँ, तो इसको मैंने पहले से प्री हीट नहीं किया है, ठीक है। और अब मैंने इसको एग वॉश लगा लिया, तो अब इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट का मैं इसको टाइम लगाऊंगी। 10 मिनट के बाद आप ये देखें सेंटर से ही इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो गया था, और उसकी वजह ये थी कि जो इसकी ऊपर वाली लिड है उसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये डो है तो वो राइज होती है, तो ऊपर वाली लिड पे जब ये डो लगी है तो उससे इसका जो कलर था ना वो ज़्यादा डार्क हो गया था।
तो और साइड से जो था ना वो अभी कच्चा था, तो इसी वजह से फिर मैंने उसके पीसेस करके इसको मैंने फिर एयर फ्रायर में बनाया। पिज़्ज़ा मेकर में पिज़्ज़ा पाई बनाने का जो एक्सपीरियंस था ना वो मेरा बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको दोबारा इसमें बना के दिखाऊँ किस तरह से ये बनेगा वो मैंने सोच लिया, और इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और अब ये थोड़ी सी डो मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं एयर फ्रायर में आपको बना के भी दिखाती हूँ, उसी तरह से सेम इसका भी मेथड वैसे ही है। तो ये छोटी सी जो मेरे पास एक प्लेट है इसमें मैंने डो को रखा है, और जितनी मेरी एयर फ्रायर में आ जाएगी आराम से इजीली, तो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर कट लगाए हैं। अच्छा, इसको मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में इसको तकरीबन लगेंगे 20 से 25 मिनट, एयर फ्रायर में इसको लगे हैं 15 मिनट, ठीक है। 10 मिनट मैंने इसको इसी तरह से रखा है, और फिर 5 मिनट मैंने इसकी साइड चेंज करके इसको रखा था, और 15 मिनट में ये एयर फ्रायर में तैयार हो गया है, और मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट पहले नहीं किया। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसको पतीले में भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पिज़्ज़ा एक दफ़ा पतीले में बनाया था, उसकी जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, और लिंक मैं जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वो आप लाजमी देखिएगा। तो इसको बनाना पतीले में भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पिज़्ज़ा बनाना है, सेम वही मेथड है इसका भी। लें जी, पिज़्ज़ा भाई हो गया तैयार।